ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो एंड यू चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त राजेश जोशी। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कई पेड़ पौधों को पूजनीय स्थान प्राप्त है, तो कुछ पौधों पर देवी देवताओं की कृपा बरसती है। इन पौधों को घर में रखने से व्यक्ति के दिन भी पलट जाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार एक ऐसे ही पौधे की आज हम बात करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे इस वीडियो के चमत्कारी प्रभावों को। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को पूरा देखकर कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र में बहुत सारे ऐसे पौधों के बारे में बताया गया है जो बहुत ही चमत्कारी होते हैं, और इन पौधों पर कई देवी देवताओं की कृपा बरसती है। इन पौधों को घर में लगाते ही पैसा चुंबक की तरह खींचा चला आ जाता है। इन्हें लगाते ही व्यक्ति की किस्मत बदल जाती है। वास्तुशास्त्र में बताए गए कुछ पौधे घर पर वास्तु दोष को दूर करने में सहायक तो होते ही हैं, इसके साथ साथ घर की नकारात्मकता को भी दूर करके सकारात्मक ऊर्जा में बदल देते हैं। ये पौधे व्यक्ति को धनवान और संपत्तिवान भी बना देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही एक पौधे की बात आज हम इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं, जो पौधा माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। इस पौधे का नाम है लक्ष्मणा पौधा। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मणा पौधा माँ लक्ष्मी को बेहद ही प्रिय है, और उन्हें प्रसन्न करने के लिए इसे घर में लगाया जाता है। इसे घर में लगाने से व्यक्ति के आमदनी के नए रास्ते खुल जाते हैं, और आमदनी में हमेशा बढ़ोतरी होती रहती है। साथ ही ये पौधा घर में वास्तु दोष को दूर करने के आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को भर देता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में लक्ष्मणा पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। आपको बता दूं कि लक्ष्मणा पौधा कई जगहों पर गुमा नाम से भी जाना जाता है, और वहीं आयुर्वेद में इसे लक्ष्मणा बूटी के नाम से जाना जाता है। इस पर सफ़ेद रंग के पुष्प आते हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, और सफ़ेद रंग माँ लक्ष्मी को बेहद ही प्रिय है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में इस पौधे को धन आकर्षित करने वाला पौधा भी माना गया है। मान्यता है कि जहाँ पर लक्ष्मणा पौधा लगाते हैं, वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं वास करती है। उस घर में धन संपत्ति के साथ साथ गुड लक का आगमन भी उसी दिन से हो जाता है। घर में इस पौधे को लगाते ही परिवार के सदस्यों की तरक्की शुरू होनी प्रारंभ हो जाती है। दोस्तों, लक्ष्मणा पौधा घर पर लगाते ही खुशहाली छा जाती है, और माँ लक्ष्मी का वास हमेशा घर में बना रहता है। यह पैसा चुंबक की तरह कार्य करता है, और धन को खींचने के लिए यह एक चुंबक का कार्य करता है। व्यक्ति के दिन इस पौधे से पलट जाते हैं, और तिजोरी धन से हरी भरी रहती है, और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा व्यक्ति पर बरसती रहती है। तो दोस्तों, आप इस पौधे को अवश्य ही अपने घर में लगाएं और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने यह वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को अवश्य लाइक करें, और साथ ही इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे उन्हें भी यह जानकारी मिल पाए। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल बटन को अवश्य दबा लें, और नोटिफिकेशंस को ऑल कर लें, जिससे हमारे आगामी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ।